तुम अगर किसी तरह अपने चैनल को मोनेटाइज कर भी लेते हो तब भी तुम इतनी अर्निंग नहीं कर पाओगे जिससे तुम्हारा शौक भी पूरा हो जाए, क्योंकि YouTube का RPM इतना लो हो चुका है कि $1 बनाने के लिए 3 से 4 के व्यूज लाना पड़ता है और $100 बनाने के लिए 4 लाख व्यूज लाना पड़ेगा। तो क्या इस प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन भी है, तो यही देखेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा अर्निंग किस कंट्री में और किस टॉपिक पे होती है, फिर चाहे वो जो भी कंट्री या जिस भी टॉपिक पे हो वो सारा काम हम AI से करेंगे ताकि 1 के व्यूज पे ही हमारे ज्यादा डॉलर बन पाए। क्योंकि अगर तुम AI से सारी चीजें करते भी हो और हिंदी में ही अपने कंटेंट को क्रिएट करते हो तो AI के यूज करने का कोई फायदा नहीं। इसीलिए हम सारे काम AI का यूज करते हुए Tier 1 कंट्री के लिए कंटेंट क्रिएट करना सीखेंगे, जिसमें मैं तुमको आइडिया, स्क्रिप्टिंग, वॉइस ओवर, एडिटिंग एंड अपलोडिंग तक सारे काम AI से करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि किस कंट्री का CPM सबसे हाई है और उसके लिए हमें किस लैंग्वेज में वीडियो क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं ChatGPT पे आने के बाद YouTube हाई CPM कंट्री एंड इट्स लैंग्वेज सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट बता रहा है जिसकी लैंग्वेज इंग्लिश है। अब तुम गूगल पे भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे तुमको यूनाइटेड स्टेट के अलावा 2-4 और भी हाई CPM कंट्री मिल जाती है जिनको तुम टारगेट कर सकते हो। हमें ये तो मालूम हो गया कि किस लैंग्वेज में वीडियो क्रिएट करना है। अब ये देख लेते हैं कि उस कंट्री के लिए हाई CPM निशेज कौन सी हैं। फिर उसी हिसाब से हम लोग रिसर्च करके अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। मैंने फिर से ChatGPT पे हाई CPM निशेज फॉर YouTube सर्च किया। अब इसने मुझे 10 हाई CPM निशेज बताया। अब इस बात पे फोकस करने की जरूरत है कि हम फाइनेंस या रियल इस्टेट की वीडियो तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि इन सब चीजों में रियल वॉइस एंड फेस पर्सन ज्यादा मैटर करता है। अगर इस पे तुम फेसलेस चैनल क्रिएट करोगे तो ट्रस्ट ना होने की वजह से उस पे व्यूज बहुत ही कम आएंगे। हाँ, इन सब चीजों में न्यूज दे सकते हो। तो अब तुम्हें ऐसे निशेज निकालना है जिसमें RPM अच्छा हो, फेसलेस हो और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। ChatGPT पे क्योंकि 2022 तक के ही रिजल्ट अवेलेबल है, इसीलिए मैंने गूगल पे भी रिसर्च किया एंड वहाँ पे मुझे और भी रिजल्ट मिले जो कि काफी अच्छे हैं और उनपे काम करना भी आसान है। तो अब मैं लग्जरी लाइफ स्टाइल पे वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैं एफिलिएट कमीशन से भी अर्निंग कर सकता हूँ। तो लग्जरी लाइफ स्टाइल एक बहुत बड़ा नीश है, तो मैं इसको नैरो डाउन करूंगा। अब मैंने ChatGPT से कहा, सजेस्ट मी सम कैटेगरीज इन लग्जरी लाइफ स्टाइल। तो इसने मुझे 11 रिजल्ट दिखाए जिसमें से मैं हाई एंड फैशन के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि इसकी वीडियो क्लिप्स आराम से मिल जाएंगी। अब तुम भी यही सेम मेथड का यूज करके किसी भी कैटेगरी के बारे में रिसर्च कर सकते हो। कैटेगरी और निशेज की रिसर्च तो हो गई, अब तुमको अपने चैनल का नेम रखने में प्रॉब्लम आ रही है तो तुम ChatGPT से बोल सकते हो, सजेस्ट मी सम यूट्यूब चैनल नेम फॉर हाई एंड फैशन, या फिर brandroot.com पे चले आना और यहाँ पे अपने निश के रिलेटेड कुछ भी लिख लेना। जैसे मैंने यहाँ पे स्टाइल फैशन लिखा। अब यहाँ पे तुम देखो, इसने इस कीवर्ड के रिलेटेड इतने सारे चैनल नेम दे दिए और साथ में हर एक नेम के लिए हल्का फुल्का लोगो भी जनरेट कर दिया जिसको तुम यूज कर सकते हो या फिर तुम अपने से ही क्रिएट कर लेना। अब तुम अगर अपना लोगो क्रिएट करना चाहते हो तो कैनवा पे आने के बाद यहाँ पे नीश के साथ लोगो लिखने के बाद सर्च करना। जैसे यहाँ पे मैंने फैशन लोगो सर्च किया तो यहाँ पे बहुत सारे लोगो मिल गए। अब सिंपली किसी पे भी क्लिक करके कस्टमाइज कर लेना और यहाँ से डाउनलोड कर लेना। इसी तरह यहाँ पे YouTube बैनर सर्च करना और यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करके कस्टमाइज करके डाउनलोड कर लेना। अब तुम लोगों ने हाई CPM नीश को फाइंड आउट कर लिया एंड उस पे रिसर्च से नैरो डाउन करने के बाद नेम वगैरह सेलेक्ट करके लोगो एंड बैनर भी बना लिया। अब ये देखेंगे कि अपने YouTube चैनल को हाई क्वालिटी ऑडियंस के लिए रेडी कैसे करना है। उसके लिए YouTube पे Gmail से साइन इन होने के बाद यहाँ पे क्लिक करो। अब ये सारे स्टेप तुम अपने मोबाइल से भी कर सकते हो। अब यहाँ पे तुमको YouTube स्टूडियो पे क्लिक करना है। यहाँ पे लोगो लगाने के बाद मैं अपना वही नेम फिल कर देता हूँ जिसको मैंने अभी जनरेट किया है। अब यहाँ से तुम अपने चैनल के हैंडल को ऐसे ही रख सकते हो या फिर चेंज भी कर सकते हो। अब क्रिएट पे क्लिक करना है। क्योंकि मैं AI का यूज करते हुए हाई CPM कंट्री को टारगेट करने के लिए बता रहा हूँ, इसीलिए ऑडियंस को टारगेट करने के लिए मैं तुमको कुछ सेटिंग्स बताने वाला हूँ। सबसे पहले सेटिंग्स में आ जाओ और यहाँ चैनल में आने के बाद कंट्री ऑफ रेसिडेंस पे क्लिक करने के बाद यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट कर लो। अब चैनल कीवर्ड डालने के लिए तुम keywordtool.io पर आ जाओ। सबसे पहले YouTube को सिलेक्ट कर लेना, फिर यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट कर लेना और लैंग्वेज को इंग्लिश करने के बाद यहाँ पे अपने चैनल की कैटेगरी या नेम को टाइप करने के बाद सर्च कर देना। अब तुमको अपने निश के रिलेटेड हाई कीवर्ड मिल जाएंगे।
इनमें से जो सूटेबल लगे उनको यहाँ से तुम सिलेक्ट कर लेना और यहाँ से कॉपी करके अपने चैनल के टैग सेक्शन में पेस्ट कर देना। फिर अपलोड डिफॉल्ट्स में आने के बाद एडवांस सेटिंग में आ जाओ और यहाँ से अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना। फिर वीडियो लैंग्वेज में आने के बाद इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट कर लो और टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज में भी वही सिलेक्ट कर लेना। अब यहाँ से सेव कर दो। इतना काम तो हो गया। अब यहाँ कस्टमाइजेशन में आने के बाद ब्रांडिंग में आ जाओ और यहाँ से बैनर को अपलोड कर लो। फिर बेसिक इन्फो में आ जाओ। अब यहाँ पे तुम्हारा चैनल नेम एंड हैंडल तो हो गया। अब चैनल का डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। अब इसके लिए फिर से चैट जीपीटी पे आ जाओ। अब यहाँ पर मैं राइट ए यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन विद CTA और आगे अपने चैनल का नेम टाइप कर देता हूँ, तो इसने मेरे लिए चैनल डिस्क्रिप्शन लिख दिया। अब सिंपली यहाँ पर पेस्ट करने के बाद पब्लिश पर क्लिक कर देना। अब हमारा चैनल बिल्कुल रेडी हो गया। अब ये देख लेते हैं कि AI का यूज करते हुए वीडियो कैसे क्रिएट करना है। तो इसके लिए मैं तुमको दो मेथड बताऊंगा। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सिर्फ 2 से 4 क्लिक में और बिना स्क्रिप्ट के वीडियो कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले तुम fleeky.ai पर आ जाओ और साइन अप करने के बाद तुमको ये इंटरफेस दिखेगा। अब तुमको न्यू फाइल पे क्लिक करना है। अब फाइल टाइप में वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है और लैंग्वेज इंग्लिश करके इस वाले ऑप्शन में तुमको यूनाइटेड स्टेट करना है। अब एस्पेक्ट रेशियो में तुम अगर शॉर्ट क्रिएट करने वाले हो तो पोर्ट्रेट पर क्लिक करना। तो मैं लॉन्ग वीडियो के लिए लैंडस्केप पर क्लिक कर लेता हूँ और स्टार्ट विथ में तुमको आइडिया को सिलेक्ट कर लेना है। अब फाइल नेम में तुम कुछ भी फिल करके सबमिट पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पे तुमको बस अपने वीडियो का टाइटल लिखना है और उसी टाइटल से बिना स्क्रिप्ट लिखे वीडियो रेडी हो जाएगी। अब स्टॉक मीडिया में वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद हेडिंग एंड स्टिकर को सिलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक कर देना। इतना करने के बाद तुम्हारी वीडियो रेडी हो जाएगी, जिसमें ये खुद पूरी स्क्रिप्ट लिखने के बाद स्क्रिप्ट के हिसाब से सीन भी लगा देगा और यहाँ पे सब टाइटल भी लिख देगा। जरूरत के हिसाब से स्टिकर और हेडिंग भी डाल देगा। अब यहाँ पे जितने भी बॉक्स दिख रहे हैं उस टेक्स्ट तक एक सीन चलेगी। अगर तुम सीन को जल्दी जल्दी चेंज करना चाहते हो तो बॉक्स के नीचे प्लस पे क्लिक करने के बाद इस बॉक्स से आधे टेक्स्ट को कॉपी करने के बाद इस न्यू बॉक्स में पेस्ट कर देना। चेंजिंग करना चाहो तो एडिट करके चेंज भी कर सकते हो और ऑटो पिक पर क्लिक करोगे तो उसके लिए न्यू क्लिप भी आ जाएगी। अब अगर तुम सीन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से तुम दूसरी वॉइस को चूज करने के बाद नीचे इस बॉक्स को टिक कर लेना और सिलेक्ट पर क्लिक करोगे तो तुम्हारी वॉइस चेंज हो जाएगी। और अगर यहाँ फर्स्ट बॉक्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ से बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज कर सकते हो और यहाँ से लाउडनेस भी चेंज कर सकते हो और यहीं से सबटाइटल के फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हो। अब सारे काम करने के बाद सिंपली इस डाउनलोड बटन से डाउनलोड करने के बाद अपनी वीडियो को देख सकते हो। अब दूसरे मेथड में भी मैं सारे काम AI से ही करूंगा, लेकिन थोड़ा और प्रोफेशनल वे में। यहाँ पे हम सारी चीजें अलग अलग करेंगे। सबसे पहले आइडिया और स्क्रिप्टिंग के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद वॉइस जनरेट करेंगे, जिसके लिए मैं तुमको 2 टूल्स बताऊंगा और लास्ट में एडिटिंग के बारे में भी बताऊंगा, जिससे वीडियो और प्रोफेशनल क्रिएट होगी और प्रोफेशनल वीडियो की वजह से व्यूज और अर्निंग जबरदस्त होगी। तो आइडिया और स्क्रिप्टिंग के लिए तुम gravityright.com पे चले आओ। अब यूट्यूब टूल्स में आने के बाद YT आइडिया एंड कंटेंट प्लानर पर क्लिक करो। अब यहाँ पे तुमको सिर्फ अपने चैनल का नीश लिख देना है। तो मैंने यहाँ पे फैशन एंड स्टाइल लिखने के बाद क्रिएट पर क्लिक किया तो इसने मुझे इस नीश के रिलेटेड सारे आइडियाज दे दिए। आइडियाज लेने के बाद तुमको टाइटल एंड थंबनेल आइडियाज पे क्लिक करना है और अपने आइडिया को यहाँ पे पेस्ट करने के बाद क्रिएट पे क्लिक करना है। अब ये तुमको इस आइडिया के रिलेटेड मल्टीपल टाइटल क्रिएट करके दे देगा और साथ में ही उस टाइटल के लिए थंबनेल आइडियाज भी दे देगा। अब सिंपली किसी एक टाइटल को कॉपी करना है और YT स्क्रिप्ट क्रिएटर में आके यहाँ पे पेस्ट करने के बाद क्रिएट पे क्लिक करना है। अब ये तुमको इस टाइटल पे पूरी स्क्रिप्ट लिख के दे देगा। अब इसमें तुम चाहो तो कुछ भी चेंजिंग कर सकते हो और यहाँ से कॉपी कर लेना। स्क्रिप्ट तो रेडी हो गई। अब इसके लिए वॉइस जनरेट करना है तो इसके लिए मैं तुमको 2 मेथड बताऊंगा। दोनों में से जो भी तुमको सही लगे यूज कर लेना, दोनों बेस्ट हैं। सबसे पहले 11 लैब्स पे आ जाओ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देना और यहाँ से जनरेट कर लेना। अब अगर तुम AI से वॉइस जनरेट करते हो तो उसको थोड़ा बहुत एडिट करना पड़ता है ताकि मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए मैंने इस वीडियो में AI से रिलेटेड सब कुछ बता दिया है, वो भी चेक कर लेना। अब दूसरी साइट जो बता रहा हूँ उससे तुम वॉइस के साथ वीडियो भी जनरेट कर सकते हो और उसकी वॉइस और भी रियलिस्टिक है और 11 लैब्स की तरह सैचुरेटेड भी नहीं है। उसके लिए तुम lowo.ai पे चले आओ। अब लॉगिन करने के बाद क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करो। अब अगर तुम वॉइस के साथ वीडियो भी जनरेट करना चाहते हो तो AI वॉइस एंड वीडियो पर क्लिक करना, या सिर्फ वॉइस जनरेट करना चाहते हो तो शॉर्ट वॉइस ओवर पर क्लिक करने के बाद स्टार्ट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट को पेस्ट कर दो
अगर तुम यहाँ पे क्लिक करोगे तो तुमको और भी दूसरे कैरेक्टर की वॉइस मिल जाएंगी, जो भी तुमको सही लगे सिलेक्ट कर लो और यहाँ से जनरेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब वॉइस तो जनरेट हो गई, अब अगर तुम प्रोफेशनल तरीके से अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हो और स्पॉन्सरशिप वगैरह से भी अर्निंग करना चाहते हो तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि एडिटिंग तुम खुद से करो, क्योंकि उसमें तुम ज्यादा अटेंशन ग्रैब कर पाओगे, क्योंकि उसमें तुम अपने हिसाब से चीजें दिखा पाओगे और ऑडियंस को हुक कर पाओगे। और एडिटिंग के लिए सारे मटेरियल्स के बारे में मैंने इस वीडियो में बता दिया है, जिसको देखने के बाद तुमको एडिटिंग के रिलेटेड सारी चीजें मिल जाएंगी। और उसी में मैंने एक जबरदस्त ट्रेंडिंग वीडियो एडिटिंग का पैक भी दे दिया है, जो तुम्हारे बहुत काम आएगा। लेकिन फिर भी तुम एडिटिंग AI से ही करना चाहते हो तो Lore.ai और Filiki.ai के बारे में मैंने बता ही दिया है, उसी से तुम अपनी वीडियो जनरेट कर लेना। अब सारे काम तो हो गए, बस वीडियो को अपलोड करना है। तो सबसे पहले YouTube पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करके वीडियो को सिलेक्ट करके वीडियो की अपलोडिंग स्टार्ट कर दो। अब वीडियो को पब्लिश करने के लिए तुमको टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल और टेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी। अब ग्रेविटी राइट में स्क्रिप्ट जनरेट करने के टाइम पे जिस टाइटल से स्क्रिप्ट को जनरेट किए थे उसी को कॉपी कर लो और YouTube पे आके यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब डिस्क्रिप्शन के लिए फिर से इसी साइट पे आ जाओ और सबसे पहले अपनी स्क्रिप्ट को कॉपी कर लो और डिस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट वाले सेक्शन में आके यहाँ पे पेस्ट करने के बाद जनरेट कर दो। ये तुम्हारी वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट जनरेट करके दे देगा। तो डिस्क्रिप्शन कॉपी करके YouTube पे इस डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स में पेस्ट कर दो और अगर तुम किसी चीज का लिंक देना चाहते हो तो वो भी कर लेना और टेक्स्ट को कॉपी करके टेक्स्ट वाले सेक्शन में पेस्ट कर देना। अब बस थंबनेल बनाने की जरूरत है। वैसे तो थंबनेल बनाने के लिए बहुत से AI टूल्स मिल जाते हैं, लेकिन मैं तुमको कैनवा के लिए रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इस पे ट्रेंडिंग थंबनेल मिल जाते हैं जिनको तुम कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो मेरी वीडियो में मेरा टाइटल ये है जिसके लिए मुझे बिफोर आफ्टर दिखाना है, तो मैं यहाँ पे बिफोर आफ्टर लिखने के बाद आगे थंबनेल लिख के सर्च कर देता हूँ। अब यहाँ पे इतने सारे थंबनेल मिल गए, किसी पे भी क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ से इस फोटो वाले सेक्शन में आने के बाद इमेज को चेंज कर लूंगा। अगर तुम हेडिंग वगैरह चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से चेंज कर लेना। अब शेयर वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ से अपने थंबनेल को अपलोड करने के बाद तुम चाहो तो डायरेक्ट पब्लिश कर सकते हो या तो शेड्यूल भी कर सकते हो। इतना देखने के बाद तुमको ये आइडिया हो गया होगा कि तुम एक टोटली AI बेस्ड चैनल कैसे रन कर सकते हो, वो भी हाई CPM के साथ। हाँ, अगर तुम खुद का थोड़ा बहुत इफर्ट दोगे तो तुम्हारे व्यूज और भी जबरदस्त आएंगे और तुम्हारा चैनल और भी जल्दी ग्रो होगा। और अगर तुम अपना खुद का कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो और फेस भी नहीं दिखाना चाहते तो इस वीडियो को चेकआउट कर लेना। वहाँ पे तुमको हाई CPM नीशेज मिल जाएंगी जिन पर तुम आराम से काम कर सकते हो। मिलते हैं वहीं पे।